हेलो फ्रेंड, वर्तमान डिस्कशन करिबा प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर थ्री रो यूनिट वन। तो आज आलोचनार विषय वस्तु तीन मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। तो पूर्व आमने तीन मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना कर सारे ताहा भिडियोटर आई बटन रे आपण मैंने पाइबे। तो वर्तमान आमने अवशिष्ट प्रश्न गुड़िक आलोचना करिबा। तो प्रश्नटी कौन अटे देखिबा, प्रश्नटी होउछि मौर्य राजत्वर बहिर्वाणिज्य। तो मौर्य समय मौर्य राजत्व समय बहिर्वाणिज्य किभली भावे थिला से समस्त विषय मैंने आलोचना करिबा। तो भिडियोटी को स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने चैनल टी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी, बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु जहाँफल आगामी भिडर नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमें आपण मान निकट में पहुँची पार। तो भिडियोटी को स्किप नक संपूर्ण रूपे देखा निम्ते चेष्टा करूँ। तो प्रश्नटी आम कौन देखिले, मौर्य राजत्वर बहिर्वाणिज्य। मौर्य राजत्व समय वैदेशिक वाणिज्यपाई उभय स्थल व समुद्र पथ व्यवहार करा। तो मौर्य राजत्व समय वैदेशिक वाणिज्य निम्ते उभय स्थलपथ व समुद्र पथर व्यवहार करा। केन्द्र एशिया, पश्चिम एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया सह भारत वाणिज्य संपर्क स्थापित होता। तो भारत क्यों मानक सहित वाणिज्य व्यवसाय संपर्कटी स्थापन होता ना, केन्द्र एशिया, पश्चिम एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया सह भारत वाणिज्यिक संपर्क स्थापित होता। भारत व चीन सह वाणिज्य कारबार चलुवा चीन साहित्य प्रमाण मिलता है। तो भारत व चीन सह वाणिज्य कारबार चलुवा विषयटी क्योंठू आम देखा पाऊ ना चीन साहित्य समस्त विषय देखा पाऊ। सीरिया, मिसर व अन्य ग्रीक राज्य मानक भारत प्रत्यक्ष वाणिज्य संपर्क रही। तो प्रत्यक्ष वाणिज्य संपर्क क्यों देश मान सहित भारत रही ना, सीरिया, मिसर व अन्य ग्रीक राज्य मानक भारत प्रत्यक्ष वाणिज्यिक संपर्क रही। मद्य, रौप्य, काचपात्र, मूल्यवान प्रस्तर, रंजक पदार्थ आदि भारत आमदानी करुवा स्थले मुसलिन, अतर, मुक्ता, मूल्यवान प्रस्तर, हातदात भि विलास सामग्री तथा औषधीय वृक्ष, नील, चंदन व मसला आदि द्रव्य रप्तानी करुला। तो मद्य, रौप्य व काचपात्र, मूल्यवान प्रस्तर, रंजक पदार्थ आदि भारत कौन होता ना आमदानी कर स्थले मुसलिन, अतर, मुक्ता, मूल्यवान प्रस्तर, हातीदात भिलास सामग्री तथा औषधीय वृक्ष, नील, चंदन व मसला आदि द्रव्य कौन होता ना रप्तानी कर। प्राचीन भारत वाणिज्य वाणिज्यिक पथ, तो प्राचीन समय प्राचीन भारत वाणिज्यिक पथ कि भाव थिला, प्राचीन भारत वाणिज्यर विकास वाणिज्य पथगुड़िक सहायक होता। तो प्राचीन भारत वाणिज्यिक विकास वाणिज्य पथगुड़िक कौन होता ना सहायक होता। अनेक संख्यक सड़क वाणिज्य सामग्री उत्पादित होता स्थानगुड़िक सहित आभ्यंतरीण सहर व बजार तथा उपकूलवर्ती अंचल सहर व बंदरगुड़ी संजोग करुला। तो अनेक संख्यक सड़क वाणिज्य सामग्री उत्पादित होता स्थानगुड़िक सहित अभ्यंतरीण सहर व बजार तथा उपकूलवर्ती अंचल सहर व बंदरगुड़ी को कौन करुला ना संजोग करुला। अभ्यंतरीण स्थानगुड़िक सह उपकूलवर्ती सहरगुड़ी संजोग करने क्षेत्र में सुनाब्या नदीगुड़ी वाणिज्य पथ रूपे व्यवहार करा। तो अभ्यंतरीण स्थानगुड़िक सह उपकूलवर्ती सहरगुड़ी संजोग करने क्षेत्र में सुनाब्या नदीगुड़ी कौन करा वाणिज्य पथ रूपे व्यवहार करा। शगड़, रथ एवं हस्ती, अश्व, वट आदि पशु मानक द्वारा जिनिषपत्र नेवा आणवा होता। तो शगड़, रथ एवं हस्ती, अश्व, वट आदि पशु मानक द्वारा कौन करा जिनिषपत्र को नेवा आणवा करा। किंतु अंतर्वाणिज्य साधारणतः शगड़ व्यवहार करा। तो अंतर्वाणिज्य निमन्ते साधारणतः कौन करा ना शगड़ व्यवहार हो नथला। नदी व समुद्र पथपाई परिवहन रो मुख्य माध्यम थिला नौका व जहाज।
तो नदी और समुद्र पथ पाई परिवहन रो मुख्य माध्यम कौन थिला ना नौका एवं जहाज मुख्य माध्यम थिला। वाणिज्य पथ गुड़िकर सुरक्षा पाई प्राचीन भारत रे स्वतंत्र बंदर बंदोबस्त करा जाउ थिला। तो वाणिज्य पथ गुड़िकर सुरक्षा पाई प्राचीन भारत रे कौन करा जाउ थिला ना स्वतंत्र बंदोबस्त करा जाउ थिला। शासक माने बंदर मानकर विश्रामगार एवं सड़क पथरे पानीय और आश्रयर व्यवस्था करुथिले। तो से समय रे बा प्राचीन भारत रे शासक माने कौन करथले ना बंदर मानकर विश्रामगार एवं सड़क पथरे पानीय और आश्रयर व्यवस्था करुथिले। 10 नंबर विषयटी कौन अटे ना बणिक संघ। बणिक संघ कौन अटे प्राचीन भारतर बणिक और कारीगरी माने बणिक संघ गठन करुथिले। तो प्राचीन भारतर बणिक वो कारीगरी माने कौन करते ना बणिक संघ गठन करते। बणिक संघ गुड़िक आधुनिक बैंक परी मध्य कार्य करते। तो बणिक संघ गुड़िक आधुनिक बैंक परी मध्य कौन करते ना कार्य करुला। कौटल्य अर्थशास्त्र सूचना मिले जे बणिक संघर जिमा को। तो कौटल्य अर्थशास्त्र कौन सूचना मिले तो कौटल्य अर्थशास्त्र सूचना मिले जे बणिक संघर जिमा को उपनिधि कहा जाऊला। बणिक संघर महासूल बा शुल्क आईन बा अधिघोषणा व परिचालना संक्रांतीय समस्त तथ्य जने हिसाब अधीक्षक संघर विवरण पुस्तक नियमित लिपिबद्ध करुथले। तो बणिक संघर महासूल बा शुल्क आईन बा अधिघोषणा व परिचालना संक्रांतीय समस्त तथ्य जने हिसाब अधीक्षक संघर विवरणी पुस्तक कौन करते ना नियमित लिपिबद्ध करते। बणिक माने उत्तर भारत रे श्रेष्ठ व दक्षिण भारत रे चेट्टी नाम रे परिचित थिले। तो बणिक माने उत्तर भारत रे श्रेष्ठ व दक्षिण भारत रे चेट्टी नाम रे से माने कौन थिले ना परिचित हेउथिले। राज्यर राजा माने निजको शक्तिशाली करिया पई बणिक संघर समर्थन लोडुथिले। तो राज्यर राजा माने निजको शक्तिशाली करिया पई कौन करथले ना बणिक संघर समर्थन लोडुथिले। प्रत्येक नगरर बणिक संघर कार्यालय पई निर्दिष्ट स्थान दिया जाउथिला। प्रत्येक नगर रे बणिक संघर कार्यालय पई कौन करा जाउथिला ना निर्दिष्ट स्थान दिया जाउथिला। बणिक व कारीगरी माने नगर एक स्वतंत्र स्थान रे बसवास करथिले। तो बणिक व कारीगरी माने कौन करथिले ना नगर रे एक स्वतंत्र स्थान रे बसवास करथिले। 11 नंबर विषयटी कौन अटे ना सातवाहन राजत्व रे श्रेणी। तो सातवाहन समय रे राजत्व समय रे किभली भाव श्रेणी विभाग कर से समस्त विषय देखिबा। सातवाहन शासन समय रे समाज चारोटी श्रेणी रे विभाजित होइथिला। तो सातवाहन शासन समय रे समाज को केतोटी भाग रे विभक्त कर जायथिला ना चारोटी भाग रे विभक्त कर जायथिला। सेगुडी हेउछि महाभोज महारथी एवं महासेनापति प्रथम श्रेणी रो अंतर्भुक्त थिले। तो महाभोज महारथी एवं महासेनापति कोन थिले ना प्रथम श्रेणी रो अंतर्भुक्त थिले। अमात्य महामात्र भंडापारिका बणिक नौगम सार्थवाह व्यवसायी मुख्य एवं श्रेष्ठ अर्थात बणिक संघर मुख्य द्वितीय श्रेणी रो अंतर्भुक्त थिले। तो द्वितीय श्रेणी रो अंतर्भुक्त केउ माने थिले ना अमात्य महामात्र भंडापारिक बणिक व बणिक बा नौगम सार्थवाह व्यवसायी मुख्य एवं श्रेष्ठ बणिक संघ कौन थिले ना मुख्य श्रेष्ठ अर्थात बणिक संघ मुख्य ए समस्त विषय कौन थिले ना ए समस्त श्रेणीटी द्वितीय श्रेणी रो अंतर्भुक्त थिले। वैद्य स्वर्णकार एवं कृषक थिले तृतीय श्रेणी रो। तो तृतीय श्रेणी रो अंतर्भुक्त केउ माने थिले वैद्य स्वर्णकार एवं कृषक थिले तृतीय श्रेणी रो अंतर्भुक्त। मालाकार बढ़ई कौवर्त लौह बणिक कमार आदि चतुर्थ श्रेणी रो अंतर्भुक्त थिले। तो मालाकार बढ़ई
कौबर्त लौहबणिक जहाँ को आम कमार कही था से माने कौन थे ना चतुर्थ श्रेणीर अंतर्भुक्त थे। संगम युगर श्रेणी कौन अटे बर्तमान देखा तो संगम युगर श्रेणी क्या कह जाए दक्षिण भारतर संगम युगरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र मान विषय उल्लेख नहीं तो दक्षिण भारतर संगम युगरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र मान विषय उल्लेख करा जाय नहीं सेतेबेले अभिरा बा ऋषि मानू ब्राह्मण मानक उच्च श्रेणीर मर्यादा दि जाऊला तो से ही समय संगम युगर कौन कर अभिरा बा ऋषि मानू ब्राह्मण मानक उच्च श्रेणीर मर्यादा दि जाऊला। संभ्रांत श्रेणीर भेलालाल एवं कार्लार मानू समाज उच्च आसन प्रदान करा तो संभ्रांत श्रेणी में भेलालाल एवं कार्लार मानू कौन कर समाज उच्च आसन प्रदान करा भोलाभार थिला अन्य एक श्रेणी तो भोलाभार कौन थिला भोलाभार थिला एक अन्य एक श्रेणी थिला जहाँ कृषक मानक नहीं गठित होता तो भोलाभार श्रेणीटी क्यों मानक नहीं गठित करा कृषक मानक नहीं श्रेणीटी गठित होता अन्य श्रेणी मध्य आभार भेडुलार अर्थात शिकारी पदाई आदचिसर अर्थात साधारण व्यक्ति भोलायार जहाँ आम कौन कही था मत्स्यजीवी कही था पुलायार अर्थात झाड़ूदार इत्यादि अंतर्भुक्त थिले तो अन्य श्रेणी में अंतर्भुक्त क्यों मैंने थिले ना आभार भेडुलार अर्थात शिकारी पदाई आद चिसल चिसर पदाई आद चिसर साधारण व्यक्ति जहाँ को आम साधारण व्यक्ति कही था भोलायार बा मत्स्यजीवी एवं पुलायार अर्थात झाड़ूदार इत्यादि अंतर्भुक्त थिले। अतः वैदिक समय रे पारंपरिक चतुर्वर्ण रे तमिल समाज विभाजित न हो निजस्व वृत्तिर श्रेणी विभाजन रे विभाजित होते तो वैदिक समय रे पारंपरिक चतुर्वर्ण रे तमिल समाज विभाजित न हो निजस्व वृत्तिर श्रेणी रे विभाजित होते। मौर्य राजत्वर वर्ण व्यवस्था तो मौर्य राजत्वर वर्ण व्यवस्था कौन अटे बर्तमान देखा मौर्य शासन समय ब्राह्मण वर्ण पुनश्च समाज में उच्च स्थान लाभ करता तो मौर्य शासन समय ब्राह्मण वर्ण पुनश्च समाज में उच्च स्थान लाभ करता कौटल्य अर्थशास्त्र जमापड़े समाज चारि वर्ण में विभाजित अटे तो कौटल्य अर्थशास्त्र कौन जमापड़े जे समाज चारि वर्ण में विभाजित होता यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र यही चारोटी वर्ण कौटल्य अर्थशास्त्र जमापड़े। किंतु मेघास्तीन वर्ण व्यवस्था एक भिन्न चित्र प्रदान करते तो ये मेघास्तीनिस कौन कर ना वर्ण व्यवस्था एक भिन्न चित्र प्रदान करसार जेकोसी वर्णर लोक भिन्न वर्ण में बहुत करने अनुमति नाला तो मेघास्तीनिस अनुसार जेकोसी वर्णर लोक भिन्न वर्ण में बहुत करने अनुमति नाला एवं वृत्ति बदल करने सहज साध्य नाला किंतु कौटल्यर अर्थशास्त्र यही समय अंतर्जातीय बहर प्रमाण मिले तो कौटल्य अर्थशास्त्र समय अंतर्जातीय बहर प्रमाण मिली थाए उदाहरण स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य जवन राजकुमारी को विवाह करते तो प्रमाण किभली भाव मैंने देखा पाऊ ना चंद्रगुप्त मौर्य जवन राजकुमारी को कौन करते ना बहुत करते अवश्य अशोक समय धर्मर प्रचार फल वर्ण व्यवस्था कलह होता तो अशोक समय धर्मर प्रचार प्रसार फल वर्ण व्यवस्था कलह हो जाता किंतु एपरी वातावरण अधिक दिन रही पार नथला तो यही भली वातावरण अधिक दिन समय पर्यंत रही पार नथला। चौदह नंबर विषयटी कौन अटे वर्ण व्यवस्था जवन तो वर्ण व्यवस्था जवन कौन अटे
ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯବନମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯବନମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମସୂତ୍ରରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କର ମିଳନରୁ ଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ଯବନ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ତ ଯବନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମସୂତ୍ରରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ମିଳନରୁ ଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ଯବନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପହଲବ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଶକମାନେ ଯବନ ଶ୍ରେଣୀୟ ଅଟନ୍ତି। ତ ପହଲବ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଶକମାନେ ଯବନ ଶ୍ରେଣୀୟ ଅଟନ୍ତି। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଯବନମାନଙ୍କୁ ବ୍ରତ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଅଛି। ତ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଯବନମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ବ୍ରତ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଅଛି। କାରଣ ଏହି ପତିତ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ପତିତ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ।